इंद्री के अनाज मंडी में 5 दिन के बाद हैफेड द्वारा गेहूं की खरीद की गई, जिसमें एजेंसी द्वारा लगभग 298 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई, जबकि मंडी में लगभग 2000 क्विंटल गेहूं आ चुकी है, लेकिन नमी के चलते सारी गेहूं की खरीद संभव नहीं हो पाई है। मौसम खराब होने की वजह से गेहूं में अभी नमी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से किसानों को और एजेंसियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव दीपक सुहाग ने कहा कि गेहूं खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनाज मंडी में 2 एजेंसियां गेहूं की खरीद करेंगी कि आज हैफेड की खरीद है, बारदाना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वह अपनी फसल को सुखा कर लाए ताकि उनको अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न आए। वहीं पर इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह का कहना है कि उनके द्वारा शुरू की गई है आज पहली बार अनाज मंडी में खरीद की गई है। नमी अधिक होने के चलते गेहूं की खरीद करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस आज परचेज शुरू हो गई है, एफेड एजेंसी ने की है और अब लगातार चलेगी। किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं। तो किस किस एजेंसी की है? यहाँ फूड सप्लाई और एफेड 2 एजेंसियों की खरीद है, और 3 और 5 को एफेड है, 1, 2, 4, 6 को अपने फूड सप्लाई एजेंसी के। तो बारदाने की बात की जाए तो बारदाना सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यवस्थाओं की कोई मंडी की कोई हमारी तरफ से सब ओके है जी। गेहूँ खरीद के लिए तैयारियाँ पूर्ण है हमारी। तो शौचालय वगैरह ये अपना शौचालय वाइट वाटर लाइट सफाई की व्यवस्था हमारी ठीक है। शुभ नाम अपना? दीपक कुमार। और जो एरिया सरकार के मानकों पर खरी उतरी है उनकी परचेज की गई है, और सरकार की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी सभी किसानों को आश्वस्त किया जाता है कि अपना माल सुखाकर साफ सुथरा मंडी में लाएं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और किसान जो भी अपना अनाज मंडी में लेकर आएगा उसको हमारी एसोसिएशन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हमारी पुरजोर कोशिश है। तो कितनी डेयरी खरीदी गई आज? सरकार ने करीब 300 क्विंटल के आसपास माल खरीदा है, जो सरकार का के मानकों का खरा उतरा है। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट।